हाँ जी, तो ब्रेक के बाद आप लोगों का स्वागत है। और आइए अब हम लोग बात करते हैं आगे। बेटा, ब्रेक से पहले मैंने आप लोगों को मैंने नेटवर्क डायग्राम के बारे में आपको बड़ी डिटेल में बातें समझाई थी। मैंने आप लोगों को नेटवर्क डायग्राम के बारे में बड़ी डिटेल में बात समझाई थी, ठीक है। क्रिटिकल पाथ के बारे में, क्रिटिकल पाथ के अलावा प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन के बारे में मैंने आपको बात बताई थी। अब बेटा, जब अपन ने ये वाला कैलकुलेशन, ये क्रिटिकल पाथ के बारे में अपन ने पढ़ा, तो आप मुझे एक बात बताओ कि क्रिटिकल पाथ कौन सा वाला है? सर, क्रिटिकल पाथ ये वाला है। और आप मुझे बताओ, क्रिटिकल पाथ कौन सा वाला होता है जिसकी ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होती है? और जो सबसे ज्यादा वाली ड्यूरेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पाथ, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट की मिनिमम ड्यूरेशन। सर, एक बात बताओ, प्रोजेक्ट की मिनिमम ड्यूरेशन सबसे ज्यादा वाली क्यों है? क्योंकि बेटा, प्रोजेक्ट तब पूरा होगा जब सारी एक्टिविटीज पूरी होंगी, और सारी एक्टिविटीज को पूरा होने में टाइम कितना लगेगा? 40 दिन। अब जरा समझो, ये जो सीक्वेंस है, ये 40 दिन में पूरा होगा, और इन्हीं 40 दिनों में बाकी एक्टिविटीज भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप मुझे बताओ, प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कम से कम कितना टाइम लगेगा? 40 दिन। क्लियर है बेटा ये वाली बात? 40 दिन कम से कम लगने। अब मेरी बात को गौर से सुनिए। हाँ सर, हम बिल्कुल गौर से सुन रहे हैं। सर, आप बताओ, जरा दिमाग लगाना, ध्यान से केयरफुली एक एक बात को सुनना। आप मुझे ये बताओ कि क्या मैं इन एक्टिविटीज को, ये जो पहला वाला पार्ट है, ये 28 दिन में पूरा हो रहा है, और क्रिटिकल पाथ 40 दिन में पूरा हो रहा है। आप मुझे जल्दी से यह बताइए, क्या मैं पहले वाले पाथ को डिले कर सकता हूं क्या 12 दिन? हां जी, क्या मैं पहले वाले पाथ को 12 दिन डिले कर सकता हूं? पक्की बात? लेकिन एक बात मुझे बताओ, पहले वाले पाथ को आप 12 दिन डिले कर सकते हो, लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊं तो ऐसा बोलना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो, एक्टिविटी ए जो है वो क्रिटिकल पाथ में भी है, और एक्टिविटी ए अगर क्रिटिकल पाथ में भी है, तो मैं पहले वाले पाथ को 12 दिन लेट कर सकता हूं, लेकिन मैं उसमें भी ए एक्टिविटी को डिले नहीं कर सकता। हाँ, इसका मतलब मैं ई, अच्छा, क्या ई एक्टिविटी भी क्रिटिकल पाथ में आ रही है? इसका मतलब मैं इसमें ई एक्टिविटी को भी डिले नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब मैं जी और एल एक्टिविटी को 12 दिन लेट कर सकता हूं। मेरी आ रही बात समझ में? तो अगर आप ये कहते हो कि सर हम पहले वाले पाथ को 12 दिन लेट कर सकते हैं, तो आप गलत हो। नहीं सर, आप पहले वाले पाथ को पूरा 12 दिन लेट नहीं कर सकते। आप पहले वाले पाथ में सिर्फ जी और एल को 12 दिन लेट कर सकते हो। सही बात है? अगर आप दूसरे वाले पाथ में देखो तो ई, ए और ई, वही क्रिटिकल पाथ वाले एक्टिविटीज हैं, तो आप इन दोनों को डिले नहीं कर सकते। लेकिन हां, आप जे और के, इन दोनों को कुल मिलाकर 5 दिन लेट कर सकते हो। आ रही है मेरी बात समझ में? तो बेटा, पॉइंट ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं पहला पाथ 12 दिन लेट शुरू करूंगा। नहीं, आप जी और एल एक्टिविटी को 12 दिन लेट कर सकते हो, ठीक है। और आप ये किस एक्टिविटी को कितना लेट कर सकते हो, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोट। क्या बोलते हैं? फ्लोट। क्या बोलते हैं? फ्लोट। क्लियर है बात? आइए बेटा, अब आप लोग सब बच्चे मेरे साथ में बिल्कुल ध्यान से ये चलेंगे कि हम लोग ये फ्लोट को आखिर कैलकुलेट करते कैसे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये फ्लोट का कैलकुलेशन बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है, पर मैं सच बताऊं तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको बात को समझने की जरूरत है, ठीक है। और ये फ्लोट की पूरी कैलकुलेशन मैं पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन की सहायता से सिखाऊंगा, और उसके बाद में मैं इसके सारे नोट्स आप लोगों को एक साथ लिखवा दूंगा। क्योंकि नोट्स का जो काम है, वो मुश्किल से 6-7 लाइनें लिखनी है अपने को, तो 6-7 लाइनों में अपने को नोट्स लिखने हैं, लेकिन वो अप्लाई कैसे होते हैं, ये हमारे लिए एक मेजर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सब लोग मेरे साथ में एक एग्जाम्पल देखिए, और आपको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। कौन सा एग्जाम्पल लूँ? तो मैं आपके साथ में एग्जाम्पल ले लेता हूं। चलिए, मैं आपके साथ में ले लेता हूं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग निकाल लीजिए।
और ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये मैं आपके साथ में लूंगा, और इस क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा कि फ्लोट हम लोग निकालते कैसे है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि फ्लोट निकालने का काम बेहद बेहद आसान, जिसको बोलते हैं ये वो है, ठीक है। आइए, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड फाइंड क्रिटिकल पाथ एंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो मेक फ्लोट एनालिसिस, ठीक है। अब आइए, तो सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम बनाएं। सबसे पहले आप लोग देखो कि ए और बी एक्टिविटी का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, और कोई प्रीडिसेसर नहीं है तो बेटा ये दोनों इनिशियल एक्टिविटीज हैं। ए एक्टिविटी से दो एक्टिविटी निकलेंगी सी और डी, बी से दो एक्टिविटी निकलेंगी ई और एफ। बेटा सी और डी जहां पे कंप्लीट होंगे वहां से एक्टिविटी निकलेगी जी और आई। बेटा ई जहां पे कंप्लीट होगी वहां से निकलेगी एच, और बेटा जी और एच जहां पर मिलेंगे वहां से बेटा शुरू होगी जे, फिर एफ के बाद में शुरू होगी के, और बेटा जे और के दोनों जहां मिलेंगे वहां से शुरू होगा एल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लीजिए बेटा, सबसे पहला ये पॉइंट है, यहां से दो एक्टिविटी निकलेंगी, एक एक्टिविटी निकल गई ए और दूसरी एक्टिविटी निकल गई बी, ए बी, ड्यूरेशन बाद में लिख लेंगे, अभी तो आप आगे चलो। ए से दो एक्टिविटी निकलेंगी सी और डी, सी और डी, ठीक है। तो ये लीजिए बेटा, ए से दो एक्टिविटी निकाल देते हैं सी और डी, तो ये लीजिए बेटा सी, ये मैंने दो एक्टिविटीज निकाल दी, एक एक्टिविटी मैंने निकाल दी सी और एक एक्टिविटी मैंने निकाल दी डी, सी डी, ओके। बेटा बी एक्टिविटी से दो एक्टिविटी निकली ई और एफ, ठीक है, ई और एफ, तो ये लीजिए बेटा बी से दो एक्टिविटी निकाल देते हैं ई और एफ, ये लीजिए बेटा ई और एफ, ओके। फिर बेटा सी और डी जहां पे मिले वहां से स्टार्ट हुई जी, बेटा सी और डी इन दोनों को मिला दो डमी से, सी और डी जहां पे कंप्लीट हुए वहां से एक्टिविटी शुरू हो गई जी, ये लीजिए जी एक्टिविटी, ओके। फिर बेटा ई एक्टिविटी जहां पर कंप्लीट हुई वहां से शुरू हुई एच, और जी और एच को मुझे एक जगह लाना है, ठीक है, तो ये लीजिए बेटा जी और एच को मुझे एक जगह लाना है, तो ये लीजिए बेटा ई से निकली एच। अच्छा, अब आगे कह रहा है सी और डी जहां पर मिले वहां से एक और एक्टिविटी निकली आई, ठीक है बेटा, तो सी और डी जहां पर मिले वहां से एक और एक्टिविटी निकलती है, और वो एक्टिविटी क्या है आई, ये लीजिए बेटा आई एक्टिविटी, ओके। इसके बाद में बेटा जी और एच जहां पे कंप्लीट हुए वहां से निकला जे, जी और एच जहां पे कंप्लीट हुए वहां से निकला जे, ये लीजिए बेटा जे, और बेटा एफ जहां पे कंप्लीट हुआ वहां से निकला के, एफ जहां पे कंप्लीट हुआ वहां से निकला के, ओके। और बेटा जे और के जहां पे कंप्लीट हुए वहां से निकला एल, वहां से निकला एल, वहां से निकला एल। अब आप बिल्कुल ध्यान से मेरी एक बात को देखो, क्या आपको नजर आ रहा है कि जो आई एक्टिविटी है उस वो किसी का प्रीडिसेसर नहीं है आई एक्टिविटी, तो बेटा ये तो डैंगलिंग छूट गई, तो इसे खत्म करने के लिए क्या करूं, बहुत सिंपल है, इसे खत्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप आई एक्टिविटी को सीधे लास्ट पॉइंट पे मिला दो, खत्म काम,
हाँ जी, अब आप मुझे जल्दी से बताइए बेटा, क्या ये नेटवर्क डायग्राम पूरी तरह बन गया है? हाँ जी, नेटवर्क डायग्राम तैयार। अच्छा, अब सुनो, इनकी ड्यूरेशन लिखो। ए एक्टिविटी की ड्यूरेशन है 6 दिन, बी एक्टिविटी की 3, सी एक्टिविटी की 5, डी एक्टिविटी की 4, ई एक्टिविटी की 3, एफ एक्टिविटी की 2, जी एक्टिविटी की 3, एच एक्टिविटी की 5, आई एक्टिविटी की 5, जे एक्टिविटी की 2, के एक्टिविटी की 3 और बेटा एल एक्टिविटी की 2। क्लियर है बात? अब जो बात समझा रहा हूं, प्लीज गौर से सुनना मेरी इस बात को, ठीक है? और आप लोग बोलेंगे सर क्या बात गौर से सुननी है, तो मैं आपको बताऊं बेटा, आपको गौर से सुनना है ये बात। हाँ जी बेटा, चलिए अब ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनना। अब यहां पे इवेंट की नंबरिंग करनी है। अच्छा, पहले काम करो, इवेंट की नंबरिंग तो चलो मैं कर देता हूं, ये मैंने कर दिया 1। ये लीजिए, ये इवेंट की नंबरिंग मैंने कर दी 1, 2। अब इवेंट की नंबरिंग करते टाइम आपको एक सावधानी रखनी है, नंबरिंग हमेशा बढ़ते हुए क्रम में दिखनी चाहिए। जैसे आप सी एक्टिविटी लिखो तो 2 से 3 आनी चाहिए, 3 से 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब जैसे 2, यहां पे मैंने कर दिया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बेटा ये नंबरिंग हमेशा बढ़ते हुए क्रम में आनी चाहिए। जैसे 5 से 8 है तो ठीक है, 5 से 4 नहीं आना चाहिए था, ठीक है? 6 से 8 ठीक है, 3 से 6, 3 से 7, 7 से 9, 8 से 9, ये सब ठीक है। ये नंबरिंग कभी घटते हुए क्रम में नहीं बन सकती। तो नंबरिंग कैसे भी कर सकते हो, पर ध्यान रखना नंबरिंग हमेशा बढ़ते हुए क्रम में दिखनी चाहिए, ठीक है? अब तुम्हारा जो काम है वो ये है कि इसमें पॉसिबल पाथ आइडेंटिफाई करो, उनकी ड्यूरेशन आइडेंटिफाई करो, क्रिटिकल पाथ बताओ और उसकी ड्यूरेशन बताओ। देखो कितने पाथ है, मैं तुमको बताता हूं। इधर देखो, 1, 2, 4, 5, 10, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 10, 1, 2, 5, 8, 9, 10, 1, 3, 6, 8, 9, 10, 1, 3, 7, 9, 10, ठीक? ये सारे पॉसिबल पाथ हैं। अब आप फटाफट से ये सारे पॉसिबल पाथ और उनकी ड्यूरेशन लिख दो, और जो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन वाला पाथ है वही क्रिटिकल पाथ है और वही प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है। जल्दी बताओ। और एक बात का ध्यान रखना बेटा, ये जो पॉसिबल पाथ और ड्यूरेशन ये जो लिख रहे हो तुम, ये ध्यान रखना इसके अलग से मार्क्स होते हैं। जैसे मान लीजिए इसके 2 नंबर है, अगर आपने डायरेक्टली जोड़ करके देख लिया क्रिटिकल पाथ कौन सा, और आपने डायरेक्टली लिख दिया साहब क्रिटिकल पाथ ये वाला है, तो ये ध्यान रखना आपको 2 में से सिर्फ आधा नंबर मिलेगा। ये ध्यान रखना 1.5 नंबर कट जाएगा अगर आपने बाकी के पॉसिबल पाथ नहीं लिखे। इस बात का बहुत खास ध्यान रखना है। तो बेटा इस बात का आपको बड़ा खास ध्यान रखना है कि यहां पर आपको सारे पॉसिबल पाथ लिखने, अगर आपने पॉसिबल पाथ को लिखने में कंजूसी कर दी तो भाई साहब ध्यान रखना आपके मेजर नंबर कट जाएंगे यहीं पे। इस काम के 2 नंबर तक मिलते हैं, और अगर आपने डायरेक्टली सिर्फ क्रिटिकल पाथ लिख दिया तो आपका 1.5 नंबर कटता है इस बात का, ठीक है? डू इट, फटाफट से 2 कॉलम बताओ, बनाओ पॉसिबल पाथ ड्यूरेशन। आप लोग चाहो तो ए सी डी जी एच ऐसा भी लिख सकते हो, आप लोग चाहो तो 1, 2, 5, 8, 9, 10 ऐसा भी लिख सकते हो।
हाँ जी, कितना? 17 दिन। और कौन सा पाथ क्रिटिकल आ रहा है? मेरे हिसाब से आपका क्रिटिकल पाथ आएगा 1, 2, 5, 8, 9, 10, यही है। चलो तो आप जरा ध्यान से देखो, ये लीजिए बेटा, एक, एक से दो, पांच, आठ, नौ, दस। ये लीजिए बेटा, यहां पर मैंने इसे डार्क कर दिया और डार्क करके मैंने क्रिटिकल पाथ को हाईलाइट कर दिया, सही है? कौन सा? एक, दो, चार, पांच। ओके, तो यार आपने तो सारा गड़बड़ करवा दिया मुझसे। चलो तो ये लो, एक, एक से दो, दो से चार, फिर चार से, चार से पांच, और उसके बाद में, उसके बाद में तो ठीक है, पांच से आठ, आठ से नौ, नौ से दस, ठीक है क्या? और इसकी ड्यूरेशन क्या है? 18 दिन। तो लिखो फटाफट, क्रिटिकल पाथ इज, क्रिटिकल पाथ इज ए सी जी जे एल, ए सी, सुनो बेटा, ए सी जी जे एल, ए सी जी जे एल, एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज, एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज, हाँ जी, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 18 डेज। और बेटा जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है वो कितनी है? 18 दिन की। क्लियर है बात? अब आइए बेटा, सब बच्चे अब मेरे साथ में सुने बेटा। अब आपको यहां पे हर इवेंट के लिए दो चीजें निकालनी है, ई और एल। अब देखो, क्रिटिकल पाथ तक तो पहुंच गए, अब अपने को निकालना है फ्लोट, और फ्लोट निकालने के लिए अपने को चाहिए ई और एल। क्या चाहिए बेटा? ई और एल। दोबारा बोलो, क्या चाहिए? ई और एल। अब बच्चे बोलते सर ई और एल का मतलब क्या है, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल अपने को क्या चाहिए? ई और एल। तो लीजिए बेटा, अपन ई और एल के लिए अरेंजमेंट करते हैं। लो भाई, ये लीजिए, अपने को चाहिए ई और एल। ई और एल, हाँ जी, ई और एल, दो चीजें चाहिए। और ये लीजिए बेटा, ये मैंने यहां पे बना लिया है, और अब हम इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाँ जी। और बेटा ये जो ई और एल है, ये मुझे हर इवेंट के लिए चाहिए, और हर इवेंट के लिए चाहिए। तो लीजिए बेटा, यहां पर हम हर जगह इसे लगा देते हैं, ये लीजिए।
जल्दी से बताइए बेटा, कोई इवेंट बचा तो नहीं? हाँ जी, क्या मैंने सारे इवेंट के लिए ई और एल ले लिए? हाँ जी बेटा, जल्दी से आप मुझे बताइए, क्या आपको ये पूरी बात दिखाई दे रही है? ई और एल के मैंने ब्रैकेट बना लिए हर जगह के लिए। हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी बेटा, ई का मतलब होता है, ई का मतलब होता है अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम। मैं तुम्हारी सहायता के लिए यहां पे लिख रहा हूं, ई का मतलब होता है अर्लीएस्ट, अर्लीएस्ट, अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम। बेटा ई का मतलब होता है अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम। बेटा इसका मतलब होता है कि इससे आगे वाली जो एक्टिविटी है वो इससे पहले स्टार्ट नहीं हो सकती। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं दो तरीके आपको बताऊंगा, एक याद करने वाला और दूसरा अप्लाई करने वाला। तो एक तरीका मैं सिखाऊंगा याद करने के लिए और एक तरीका मैं सिखाऊंगा लॉजिक समझने के लिए। आप मुझे बताइए, क्या ए एक्टिविटी जीरो दिन से पहले, ए एक्टिविटी और बी एक्टिविटी जीरो दिन से पहले स्टार्ट हो सकती है क्या? बेटा जो इवेंट नंबर वन है, क्या इसके आगे का काम जीरो दिन से पहले शुरू हो सकता है क्या? नहीं। तो आप मुझे बताइए, जो जो इवेंट नंबर वन है, इससे आगे का काम जीरो दिन से पहले स्टार्ट नहीं हो सकता। अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम क्या है? जीरो। अब आप मुझे बताओ, एक्टिविटी ए छह दिन में पूरी होगी, एक्टिविटी ए जीरो दिन से पहले स्टार्ट नहीं हो सकती और एक्टिविटी ए में छह दिन लगेंगे, तो आप मुझे बताओ क्या ए एक्टिविटी के आगे का काम, सी और डी काम, छह दिन से पहले स्टार्ट नहीं हो सकते? तो आप मुझे बताइए, क्या सी और डी एक्टिविटी का अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम कितना होगा? छह दिन। बेटा आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही बात समझ में? आप मुझे बताओ, ई सी और डी कब शुरू होंगे? ए खत्म होने के बाद। एक कितने दिन में खत्म होगा? छह दिन में। तो आप मुझे बताओ, सी और डी एक्टिविटी छह दिन से पहले स्टार्ट नहीं हो सकती। अब मेरी बात को गौर से सुनना, सी एक्टिविटी छह दिन से पहले स्टार्ट नहीं हो सकती और पांच दिन लगेंगे, तो आप मुझे बताइए सी एक्टिविटी के आगे का काम 11 दिन से पहले स्टार्ट नहीं हो सकता? अरे सी के बाद का काम, पॉइंट नंबर चार के आगे का काम 11 दिन से पहले स्टार्ट नहीं हो सकता, हां कि ना? और ये मुझे बताओ कि अगर डी एक्टिविटी में चार दिन लगते हैं, तो ध्यान से देखो, डी एक्टिविटी छह दिन से पहले स्टार्ट नहीं हो सकती और उसमें चार दिन लगेंगे, तो आप मुझे बताइए आगे का काम, आगे का काम कितने दिन से पहले शुरू नहीं हो सकता? बोलो। 11 दिन। 10 नहीं बेटा, 11। सर लेकिन 6 और 4 तो 10 होता है ना सर? मैंने बोला बेटा एक बात बताऊं, ये जो पॉइंट नंबर 5 है, इसके आगे का काम शुरू होगा जब सी और डी दोनों एक्टिविटी खत्म हो जाएंगी। सी और डी दोनों के कंप्लीट होने के बाद आगे आई और जी एक्टिविटी शुरू होंगी। तो आई एक्टिविटी और जी एक्टिविटी शुरू होंगी जब सी और डी दोनों काम खत्म हो जाएंगे। अब सी काम खत्म हो गया 11 दिन में, डी काम खत्म हो गया 10 दिन में। अब आप मुझे बताओ, भले ही डी काम 10 दिन में खत्म हो गया, लेकिन सी काम खत्म होने से पहले आप अगला काम शुरू नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताओ, इस इवेंट के आगे का काम कब शुरू होगा? 11 दिन बाद। नहीं आ रही बात समझ में? आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? अब इसे रटने का तरीका सुनो, आपके पॉइंट पर आने वाले सारे पाथ की ड्यूरेशन निकालो और जिस पाथ की ड्यूरेशन सबसे ज्यादा है वो ई है। जैसे यहां पे दो पाथ आ रहे हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला, तो 6 और 4 10, 11 और 0 11। तो आप मुझे, ये तो जीरो है ना बेटा, ये तो जीरो है। तो बेटा पांच नंबर पे कहां से आ रहे हो? ये एक तो ये आ रहा है 2 से 5, एक आ रहा है 4 से 5। तो आप मुझे जल्दी से बताओ, इस पाथ की ड्यूरेशन क्या है? 6 और 4 10, और इसकी क्या है? 11 और 0 11। तो दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो लेना है। पर मेन बात यह है कि यार, दोनों में से जो भी पाथ लास्ट में कंप्लीट हो रहा है उसके बाद ही आप आगे जा सकते हो। नहीं आ रहा समझ में? एक दोस्त है वो 10 बजे आ गया, एक दोस्त है वो 11 बजे आया, दोनों को मिलकर अगर आगे जाना है, साथ में आगे जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है 11 बजे से पहले आप आगे जा ही नहीं सकते। 10 बजे आ गया तो भी क्या फर्क पड़ता है? नहीं आई बात समझ में?
आ रही है मेरी बात समझ में? अब आप मुझे आराम से बताओ आगे, यहां पे ये एक्टिविटी भी जीरो दिन से पहले स्टार्ट नहीं होगी और तीन दिन लगेंगे, तो भाई आगे का काम तीन दिन से पहले स्टार्ट नहीं हो सकता। ये बताओ, इधर देखो, ये तीन से छह वाली एक्टिविटी तीन दिन से पहले स्टार्ट नहीं हो सकती और तीन दिन और लगेंगे, तो भाई इससे आगे का काम छह दिन से पहले स्टार्ट नहीं हो सकता। नहीं आया समझ में बेटा? बात समझ में आ रही है? अच्छा, तीन और दो पांच। अब जो बात पूछूं, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनकर जवाब देना, जल्दबाजी में नहीं देना है। आर यू क्लियर फॉर दिस? अब सुनो जरा ध्यान से, देखो ये आठ नंबर के पॉइंट पे दो रास्ते आ रहे हैं, एक तो पांच से आठ, दूसरा छह से आठ। अब देखो, ग्यारह और तीन चौदह, छह और पांच ग्यारह। इधर देखो, ग्यारह और तीन चौदह, छह और पांच ग्यारह, दोनों में से ज्यादा क्या है? चौदह। तो आप चौदह दिन से पहले आगे का काम नहीं कर सकते। नंबर दो, ऐसा सोचो, जी एक्टिविटी ग्यारह दिन से पहले स्टार्ट नहीं हो सकती और तीन दिन लगेंगे, तो जी एक्टिविटी चौदह दिन से पहले कंप्लीट नहीं हो सकती। तो यार जी से आगे का काम तो चौदह दिन के बाद ही शुरू हो सकता है। नहीं आ रहा समझ में बेटा? ये काम छह दिन में स्टार्ट होगा, पांच दिन लगेंगे, ग्यारह दिन में काम खत्म। लेकिन भाई ये एच वाला काम तो ग्यारह दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन जी वाला काम चौदह दिन में खत्म होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, चौदह दिन से पहले आप आगे का काम शुरू कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दोनों एक्टिविटी के खत्म होने के बाद आगे का काम शुरू हो सकता है। अब मुझे बताओ, इधर पांच और तीन आठ, चौदह और दो सोलह, ज्यादा क्या है? तो यहां पर सोलह आएगा। दो पाथ आ रहे हैं ना बेटा, दोनों की ड्यूरेशन निकाल लो। अरे क्लियर है बात? अब इधर आओ, इधर देखो, सोलह और दो अट्ठारह, ग्यारह और पांच सोलह। तो आप बताओ दोनों में से ज्यादा क्या है? अट्ठारह। वैसे भी हमेशा ध्यान रखना, लास्ट में टोटल अट्ठारह ही आएगा जो क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन है। क्लियर है बात? अच्छा, अब जरा एक बात बताओ, अगर ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी अट्ठारह दिन में पूरा हो सकता है, तो आप मुझे बताओ आप इसे लेट से लेट कब फिनिश करना चाहोगे? 18 दिन में। अरे भाई, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा काम 18 दिन से पहले कंप्लीट नहीं हो सकता, और अब मैं तुमसे बोलूं बेटा लेट से लेट कब कंप्लीट करना चाहोगे, तो तुम क्या बोलोगे? सर 18 दिन में ही कंप्लीट करना चाहूंगा मैं। अब एल का मतलब होता है लास्ट लेटेस्ट फिनिश टाइम, इसका मतलब आप इससे लेट फिनिश नहीं कर सकते। लेटेस्ट मतलब लेट, लेटर, लेटेस्ट मतलब लेट से लेट, आप इससे लेट कंप्लीट नहीं कर सकते। अब फर्क समझो, ई का मतलब है अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम और एल का मतलब है लेटेस्ट फिनिश टाइम। ई बताता है आप ये एक्टिविटी इससे पहले शुरू नहीं कर सकते, एल बताता है ये एक्टिविटी इससे लेट खत्म नहीं कर सकते। अब सुनो, अब यहां पे एल अगर 18 है, इसका मतलब ये जो एक्टिविटीज हैं, ये एल एक्टिविटी और आई एक्टिविटी, ये लेट से लेट 18 दिन में कंप्लीट हो सकती है। बेटा आ रही है मेरी बात समझ में? अब जरा काम की बात सुनो, अगर मुझे यहां 18 दिन में पहुंचना है और रास्ते में दो दिन लगने, तो आप मुझे बताइए यहां पर मुझे लेट से लेट कब तक पहुंचना पड़ेगा? 16 दिन में। नहीं आ रहा समझ में? अब सुनो, यहां मुझे 16 दिन में पहुंचना है, इधर देखो, और रास्ते में तीन दिन लग रहे हैं, तो आप मुझे जल्दी से बताओ मैं इस काम को लेट से लेट कब कंप्लीट कर सकता हूं? 13 दिन में। अब थोड़ा समझना, अगर बेटा मैं यहां 13 दिन में पहुंचूंगा तो भी तीन दिन लगाकर यहां पर 16 दिन में पहुंच जाऊंगा, तो अगर मुझे यहां 16 दिन में पहुंचना है तो मुझे यहां लेट से लेट 13 दिन में पहुंचना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? अरे बात समझ में? अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो, यहां मुझे 16 दिन में पहुंचना और रास्ते में दो दिन लग रहे हैं, तो आप मुझे बताइए यहां पर मैं कब लेट से लेट कब पहुंच सकता हूं? 14 दिन में। नहीं आई बात समझ में? पक्की बात? अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां मुझे 14 दिन में पहुंचना और रास्ते में तीन दिन लग रहे हैं,
तो यार यहां पर मुझे लेट से लेट 11 दिन में पहुंचना पड़ेगा, और अगर मैं यहां पे 14 दिन में लेट से लेट पहुंचना है और रास्ते में 5 दिन लग रहे हैं, तो बेटा मैं यहां पे लेट से लेट पहुंच सकता हूं कब? 9 दिन में। नहीं आया समझ में? अरे यार यहां पे 14 दिन में पहुंचना है, रास्ते में 5 दिन लग रहे हैं, तो आप भैया यहां पर 9 दिन से लेट मत पहुंचना, वरना यहां पे 14 दिन में नहीं पहुंच पाओगे आप। नहीं आया समझ में? अब आती है मेन प्रॉब्लम। अब सुनो, इधर ध्यान देना। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है जो मैंने यहां पे आपके साथ में सही से डिस्कस नहीं की। इस जगह पे वापस आने के दो रास्ते हैं, आई और जी। यहां पे 18 दिन में पहुंचना है, रास्ते में 5 दिन लगने हैं, तो मैं लेट से लेट यहां पर कितने दिन में पहुंच सकता हूं? 13। लेकिन अगर इधर से देखूं तो मैं बोलूंगा यार 14 दिन में यहां पहुंचना है, रास्ते में 3 दिन लगने हैं, तो आप मुझे बताओ यहां पे लेट से लेट मैं कब पहुंच सकता हूं? 11। अब जरा सोचो, अगर यहां पे मैं 13 दिन में पहुंचूंगा तो यहां पर तो 16 दिन हो जाएंगे, मेरा प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए लेट से लेट पहुंचने का टाइम 13 है कि 11? 11। इसका मतलब सुनना, जब आप ई निकालते हो तो आप हाईएस्ट को पकड़ते हो, और जब एल निकालते हो तो लोएस्ट को पकड़ते हो। इधर देखो 18 - 5 = 13, और इधर 14 - 3 = 11, तो आप मुझे बताओ कम क्या है? 11। तो 11 लिया। नहीं आया समझ में? ई निकालते टाइम हाईएस्ट को लेते हैं, एल निकालते टाइम लोएस्ट को लेते हैं। बेटा एक बात बताओ, आगे जाना है तो अपन बोलेंगे यार इससे पहले नहीं आ सकते जब तक सब ना आ जाएं, समझ लो। और एल का मतलब है लेटेस्ट फिनिश टाइम, मतलब ये काम इससे लेट खत्म मत करो ताकि सब अपने अपने टाइम पर पहुंच जाएं। अब अगर मैं यहां पे ये वाला काम 13 दिन में कंप्लीट करूं तो 3 दिन मिलाकर ये यहां पे मैं 16 दिन में पहुंचूंगा, जबकि मुझे 14 दिन से लेट नहीं होना। तो अगर मुझे यहां पे 14 दिन से लेट नहीं होना तो भाई मुझे यहां पे 11 दिन से लेट नहीं होना हो। नहीं आ रहा समझ में? अरे 11 और 5, यहां मैं 16 दिन में पहुंच जाऊंगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहां पर मैं 13 दिन में पहुंचा तो यहां पर मैं 16 दिन में पहुंचूंगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर यहां 13 दिन में पहुंचूंगा, यहां 16 दिन में पहुंचूंगा, यहां 18 दिन में पहुंचूंगा और यहां 20 दिन में पहुंचूंगा, तो मेरे तो ड्यूरेशन ही 2 दिन बढ़ गई। नहीं आ रहा समझ में? क्लियर है मेरी बात? अच्छा अब उल्टे चलो, ये देखो 11 - 0 = 11। सुना? अब इधर देखो 11 - 4 = 7, 11 - 5 = 6। तो बताओ क्या लूं, 7 या 6? 6। अब आप इधर देखो 6 - 6 = 0। अच्छा इधर तो मैं आई नहीं, इधर भी तो आओ। अब इधर देखो 9 - 3 = 6, 13 - 2 = 11। बताओ 6 लूं या 11 लूं? 6। क्लियर है? अब सुनो ध्यान से देखो, 6 - 3 = 3, 6 - 6 = 0, 0 या 3? 0। तो ई निकालते टाइम आने वाले सारे पाथ में हाईएस्ट ड्यूरेशन निकालते हैं, लेते हैं, और एल निकालते टाइम आने वाले पाथ का लोएस्ट ड्यूरेशन लेते हैं। नहीं आ रहा समझ में? क्लियर है बात? बेटा नहीं आया समझ में तो मुझे जल्दी बताओ, ये ई और एल निकालना समझ में आ रहा है? पक्की बात? ई का मतलब है अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम, मतलब इस इवेंट के आगे का काम इससे पहले स्टार्ट नहीं हो सकता, और एल का मतलब यहां पर लेटेस्ट फिनिश टाइम, मतलब यहां पर जो काम फिनिश हो रहा है वो इससे लेट फिनिश नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? बेटा ई और एल निकालने के बाद में कोई खास दिक्कत की बात नहीं है अब इसमें, ठीक है? चलूं आगे? चलो अब आइए बेटा फ्लोट कैलकुलेशन। हाँ जी बेटा, फ्लोट कैलकुलेशन। अब आप सुनो फ्लोट कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं। फ्लोट कैलकुलेशन के लिए बेटा सबसे पहला कॉलम अपन लोग बनाते हैं इवेंट का। इवेंट के बाद में एक कॉलम अपन लोग बनाएंगे स्लैक का। स्लैक मतलब आप कितना डिले कर सकते हो। ये अपन हेड इवेंट का निकाल लेंगे,
और टेल इवेंट का निकाल लेंगे, हेड इवेंट का और टेल इवेंट का, मैंने गलत लिख दिया सॉरी, पहले लिखो टेल और फिर हेड, टेल इवेंट और हेड इवेंट का स्लैक निकालेंगे। उसके बाद में यहां पर मैं हर एक एक्टिविटी की ड्यूरेशन को लिख दूंगा, यहां पर मैं हर एक एक्टिविटी की ड्यूरेशन को लिख दूंगा। लिखा ड्यूरेशन, लिखने के बाद ड्यूरेशन लिखने के बाद फिर मैं यहां पे लिखूंगा ईएसटी, अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम, ये हमेशा होता है ई ऑफ टेल इवेंट, टेल इवेंट के ई के बराबर होता है। बेटा ई का मतलब अभी मैंने क्या लिखा था, अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक, इसमें ड्यूरेशन को जोड़ देंगे तो अर्लीएस्ट फिनिश टाइम आ जाएगा। अरे अर्लीएस्ट स्टार्ट में अगर आप ड्यूरेशन को जोड़ोगे तो क्या आएगा, अर्लीएस्ट फिनिश टाइम। उसी तरीके से मैं निकाल दूंगा एलएसटी और एलएफटी। आप बोलेंगे सर ये कैसे, बेटा एलएसटी मतलब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, इससे लेट स्टार्ट नहीं करना है, और एलएफटी मतलब इससे लेट फिनिश नहीं करना है। एलएफटी हमेशा एल के बराबर होता है, और एल भी किसका, हेड इवेंट का। क्लियर है बात, अब आप जरा ध्यान से देखो, एल का मतलब मैंने क्या लिखा था, लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम होता है एल के बराबर। अब फ्लोट तीन तरह के होंगे, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। हां जी बेटा, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। हाँ जी बेटा, आइए बच्चों, अब मेरे साथ में बिल्कुल ध्यान से एक एक बात लिखें, मुझे आप एक एक एक्टिविटी का बताते जाओ, मतलब एक एक इवेंट का बताते जाओ। जैसे यहाँ पे देखो, एक से दो, एक से तीन, तो आप मुझे बताइए एक से दो मेरी एक्टिविटी है, एक से एक्टिविटी है एक से दो। बेटा हमेशा ध्यान रखना, इसमें कभी भी एक्टिविटी ए बी सी डी मत लिखना, हमेशा एक से दो, दो से तीन लिखना, तभी आप ये सवाल कर पाओगे। एक से दो, दूसरा एक से तीन, ठीक है। अब आप अगली एक्टिविटी मुझे बताओ, दो से, दो से चार, दो से पांच, दो से चार, दो से पांच, ऐसा करो ना, ड्यूरेशन भी बताते जाओ। एक से दो की ड्यूरेशन है 6 दिन, एक से तीन की 3 दिन, दो से चार की 5 और 4, ठीक है। अच्छा आगे चलो, फिर उसके बाद में आप मुझे बताइए 3 से 6, 3 से 7, 3 से 6 कितने दिन, 3 दिन, 3 से 7 2 दिन, ओके बेटा। अब 3 वाली बात हो गई,
अब मुझे चार से बताओ, चार से एक ही है, चार से पांच, चार से पांच जीरो दिन। आगे बताऊं, चार से पांच के बाद में अब पांच से बताऊं, पांच से आठ, पांच से दस, लो भाई पांच से आठ तीन, पांच से दस पांच। अब मुझे छह से बताओ, छह से आठ पांच दिन, छह से आठ पांच दिन। अगला सात से नौ तीन दिन, और बस सात से नौ एक ही है। अच्छा फिर मुझे बताओ आठ से नौ, आठ से नौ दो दिन, और नौ से दस दो दिन, बस हो गए क्या सारे? अरे ड्यूरेशन हो गई। अब मुझे स्लैक बताओ, स्लैक होता है ई और एल का डिफरेंस। स्लैक क्या होता है बेटा? एल और ई का डिफरेंस। तो मुझे एल और ई का डिफरेंस बताओ। टेल मतलब ये पहले वाली इवेंट, और हेड मतलब बाद वाली इवेंट। बेटा एक से दो में टेल कहां है? वन, और हेड कहां है? टू। तो आप मुझे टेल इवेंट का स्लैक बताओ। स्लैक का मतलब ई और एल का डिफरेंस। तो जल्दी से मुझे एक का स्लैक बताओ, जीरो जीरो। दो का स्लैक बताओ, इवेंट नंबर दो पर ई और एल का डिफरेंस बताओ, जीरो जीरो। तीन पे बताओ, पॉइंट नंबर तीन पे बताओ, तीन तीन। चार पे बताओ, पॉइंट नंबर चार पे ई और एल का फर्क बताओ, जीरो। पांच पे, पॉइंट नंबर पांच, जीरो जीरो। छह पे, तीन। सात पे, आठ। पॉइंट नंबर सात पे, तो पॉइंट नंबर सात पे स्लैक है आठ। आठ पे बताऊं, जीरो। नौ पे, जीरो। चलो अब ये तो हुई टेल की बात। अब मुझे हेड इवेंट के स्लैक बताओ। हेड मतलब ये दो तीन चार पांच छह सात पांच आठ दस आठ, ये। तो दो का बताऊं, जीरो। तीन का, तीन। चार का, जीरो। पांच का, जीरो। छह का, तीन। सात का, हाँ जी सात का, आठ। ओके पांच का, आठ का, दस का, आठ का, नौ का, नौ का, दस का, जीरो। तो ये लीजिए बेटा, मैंने यहां पे स्लैक निकाल लिया। बेटा स्लैक का मतलब होता है ई और एल का डिफरेंस, समझ में आ रहा है? टेल इवेंट का और हेड इवेंट का। क्लियर है क्या बात? अच्छा अब आगे सुनो, ईएसटी का मतलब होता है टेल इवेंट का ई। बेटा कोई भी इवेंट स्टार्ट कहां से होता है? टेल से होता है ना, और टेल का ई बताएगा ये एक्टिविटी अर्लीएस्ट कब स्टार्ट हो सकती है। नियारी बात समझ में? पक्की बात? अच्छा चलो तुम मुझे एक बात बताओ, इस एक से दो में एक्टिविटी स्टार्ट कहां पे हो रही है? एक पर। अरे एक से दो बोल रहा हूं तो स्टार्ट कहां पे हो रही है? एक पर, और खत्म हो रही है दो पर। तो अगर मैं बोल रहा हूं अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम, तो स्टार्ट कहां से हो रही है? टेल से। एक से दो, एक से स्टार्ट हो रही है। तो आप मुझे एक का ई बताओ, जीरो। ई ई स्लैक नहीं, ई। एक का ई कितना है? जीरो। दो का ई कितना है? अब इधर देखो, इवेंट नंबर दो पे देखो ई कितना है? छह। तो लीजिए बेटा ई हो गया छह, छह। बेटा तीन का ई बताओ, तीन का ई बताओ। देखो
बेटा अपने नेटवर्क डायग्राम में देखो, तीन पर ई कितना है, तीन, ओके, तीन पर ई हो गया तीन, चार का ई बताओ, हाँ ग्यारह, बेटा पांच का ई बताओ, ग्यारह, पांच का ई हो जाएगा ग्यारह, छह का ई बताओ, छह, सात का ई बताओ, पांच, आठ का ई बताओ, चौदह, और बेटा नौ का ई बताओ, सोलह। आप मुझे बताइए, आपको समझ में आ रहा है? कोई भी एक्टिविटी जैसे मैं बोलता हूं सात से नौ, तो स्टार्ट कहां पे हो रही है, सात पे, इसलिए अपन हमेशा टेल इवेंट के ई को क्या बोलते हैं, अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम। अब जो बात मैं पूछ रहा हूं सोच के बताना, एक से दो वाली एक्टिविटी दो पे क्या होती है, स्टार्ट या फिनिश? एक से दो वाली एक्टिविटी दो पे क्या हो रही है, स्टार्ट या फिनिश? फिनिश। तो हेड इवेंट का जो एल है, हेड इवेंट मतलब दो तीन चार पांच छह सात पांच आठ दस, हेड इवेंट का जो एल है वो इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम है। तो आप जल्दी से मुझे बताओ, दो का एल कितना है, छह, तीन का एल बताओ, एल बताना बेटा, तीन का छह, चार का एल बताओ, ग्यारह, पांच का एल बताओ, ग्यारह, छह का एल बताऊं, छह का एल नौ, सात का एल बताऊं, तेरह, पांच का एल बताऊं, ग्यारह, आठ का एल बताऊं, चौदह, दस का एल बताऊं, अठारह, आठ का एल बताऊं, चौदह, नौ का एल बताऊं, सोलह, नौ का एल बताऊं, सोलह, दस का एल बताऊं, अट्ठारह। अरे हो गया क्या? पक्की बात, आपको समझ में आ रहा है? टेल इवेंट पे स्टार्ट हो रहा है और हेड इवेंट पे फिनिश हो रहा है, इसलिए टेल इवेंट का ई कहलाता है अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम और हेड इवेंट का एल कहलाता है लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब मुझे एक बात सोच के बताना, अगर मुझे अर्लीएस्ट स्टार्ट टाइम पता है और ड्यूरेशन पता है तो क्या अर्लीएस्ट फिनिश टाइम आ जाएगा? ये काम जीरो दिन से पहले शुरू नहीं होगा और छह दिन की ड्यूरेशन है, छह दिन ये ड्यूरेशन, तो क्या ये काम छह दिन से पहले खत्म नहीं हो सकता? ये काम तीन दिन से पहले खत्म नहीं हो सकता, ग्यारह दिन से पहले खत्म नहीं हो सकता, दस दिन से पहले, छह पांच ग्यारह चौदह सोलह ग्यारह आठ सोलह अट्ठारह। नहीं आ रहा समझ में? अर्लीएस्ट स्टार्ट पता है, ड्यूरेशन पता है, तो क्या अर्लीएस्ट फिनिश आ सकता है? ओके, अब इधर देखो, लेटेस्ट फिनिश टाइम आपको पता है, मतलब ये काम छह दिन में खत्म होना ही चाहिए और ड्यूरेशन है छह दिन, तो आप ड्यूरेशन माइनस करके बता सकते हो क्या लेटेस्ट स्टार्ट? जीरो। अरे भाई इस काम में छह दिन लगते हैं और छह दिन के अंदर अंदर खत्म करना है, तो बताओ लेट से लेट स्टार्ट कब कर सकते हो? जीरो। छह माइनस तीन, तीन, ग्यारह माइनस पांच, ग्यारह माइनस पांच छह, ग्यारह माइनस चार सात, नौ माइनस तीन छह, तेरह माइनस दो ग्यारह, ग्यारह माइनस जीरो ग्यारह, चौदह माइनस तीन ग्यारह, अट्ठारह माइनस पांच तेरह, चौदह माइनस पांच नौ, सोलह माइनस तीन तेरह, सोलह माइनस दो चौदह, अट्ठारह माइनस दो सोलह। बेटा आप मुझे प्लीज 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 जल्दी से बताएं, क्या आपको यह समझ में आ रहा है? बेटा ईएसटी में ड्यूरेशन को जोड़ने पर ईएफटी आता है और एलएफटी में से ड्यूरेशन घटाने पर एलएसटी आता है। पक्की बात, क्या मैं ये बातें लिख दूं? ईएसटी का मतलब होता है ई ऑफ
टेल इवेंट, क्योंकि ऑब्वियस बात है कोई भी इवेंट टेल पे स्टार्ट होता है। एले और ईएफटी कैसे निकालोगे? ईएसटी में ड्यूरेशन को जोड़ के। ओके, एलएफटी होता है एल ऑफ हेड इवेंट। बेटा ऑब्वियस ही बात है कोई भी इवेंट हेड पे ही फिनिश हो रहा है, तो जो एल ऑफ हेड इवेंट है वो क्या है? एलएफटी। अब एलएसटी कैसे निकलता है? एलएफटी में से ड्यूरेशन को माइनस करने पर। अगर आप एलएफटी में से ड्यूरेशन को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा? एलएसटी। बेटा आप मुझे जल्दी से बताइए यहां तक ठीक है। अब सुनो, अब मुझे निकालना है टोटल फ्लोट। बेटा टोटल फ्लोट को निकालने के दो फॉर्मूला हैं। आप बोलेंगे दो फॉर्मूला कैसे? बहुत सिंपल है। एक, या तो आप एलएसटी माइनस ईएसटी कर लो तो भी वही आएगा, और अगर आप एलएफटी माइनस ईएफटी करते हो तो भी वही आएगा। एलएसटी माइनस ईएसटी कर लो तो भी वही आएगा, एलएफटी माइनस ईएफटी कर लो तो भी वही आएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल फ्लोट। मतलब आप इस एक्टिविटी को टोटल इतना डिले कर सकते हो। अब आप मुझे एक बात इधर से देख के बताओ, ये एक्टिविटी जीरो दिन में, जल्दी से जल्दी जीरो दिन में स्टार्ट हो सकती है, और लेट से लेट भी आप जीरो दिन में स्टार्ट कर सकते हो। इसका मतलब एलएसटी माइनस ईएसटी जीरो दिन लेट हो सकती है एक्टिविटी। लेकिन अब देखो, एक से तीन वाली एक्टिविटी जल्दी से जल्दी जीरो दिन में शुरू हो सकती है, लेट से लेट तीन दिन में स्टार्ट हो सकती है, तो आप इसे टोटल कितना डिले कर सकते हो? तीन दिन। अब देखो, छ माइनस छ जीरो, सात माइनस छ एक, छ माइनस तीन तीन, ग्यारह माइनस तीन आठ, ग्यारह माइनस ग्यारह जीरो, ग्यारह माइनस ग्यारह जीरो, ठीक है। फिर आगे देखो, अट्ठारह माइनस ग्यारह सॉरी तेरह माइनस ग्यारह दो, नौ माइनस छ तीन, तेरह माइनस पांच आठ, चौदह माइनस चौदह जीरो, सोलह माइनस सोलह जीरो। नहीं आया समझ में? बोलो। अब जरा सुनो, अब आप बोलोगे फ्री फ्लोट कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है। फ्री फ्लोट निकालने का तरीका है, जो आपने अभी अभी टोटल फ्लोट निकाला इसमें से आप स्लैक माइनस कर दो हेड इवेंट का। टोटल फ्लोट में से यदि हेड इवेंट का स्लैक माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा फ्री फ्लोट। आ रही है बेटा बात समझ में? बेटा मैंने क्या बोला? टोटल फ्लोट में से स्लैक इवेंट का, हेड इवेंट का स्लैक माइनस कर दो। अब जरा देखो, ये तुम्हारा टोटल फ्लोट है, ये तुम्हारा टोटल फ्लोट है, इसमें से हेड इवेंट का स्लैक ये माइनस कर दो। लो भाई, जीरो माइनस जीरो जीरो, थ्री माइनस थ्री जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, वन माइनस जीरो वन, थ्री माइनस थ्री जीरो, एट माइनस एट जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, टू माइनस जीरो टू, थ्री माइनस जीरो थ्री, एट माइनस जीरो एट, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो। अरे आया नहीं आया? पक्की बात? अगर लास्ट आपको निकालना है इंडिपेंडेंट फ्लोट, अब लास्ट आपको निकालना है बच्चों इंडिपेंडेंट फ्लोट, और इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है जो अभी अभी आपने निकाला फ्री फ्लोट, उसमें से माइनस कर दो स्लैक ऑफ टेल इवेंट। अगर आप फ्री फ्लोट में से स्लैक ऑफ टेल इवेंट अगर आप माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा?
इंडिपेंडेंट फ्लोट। अब जरा देखो, इधर समझो, ये तो है आपका फ्री फ्लोट, ये तो है आपका फ्री फ्लोट, और ये है टेल इवेंट का स्लैक। माइनस कर दूं, जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो, जीरो, जीरो माइनस जीरो, जीरो, जीरो माइनस जीरो, जीरो, वन माइनस जीरो, वन, जीरो माइनस थ्री, माइनस थ्री। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना, फ्लोट में माइनस नहीं होता। क्या डिले कभी माइनस में होती है? हाँ नहीं। तो देखो, माइनस थ्री लिख सकते हो और जीरो भी लिख सकते हो, माइनस थ्री भी लिख सकते हो और जीरो भी लिख सकते हो, इंस्टीट्यूट जीरो लिखता है, ठीक है। अब बताओ, आगे चलो, अब बताओ, जीरो, जीरो माइनस थ्री, जीरो, जीरो माइनस जीरो, जीरो, जीरो माइनस जीरो, जीरो, टू माइनस जीरो, टू, थ्री माइनस थ्री, जीरो, एट माइनस एट, जीरो, जीरो माइनस जीरो, जीरो, और जीरो माइनस जीरो, जीरो। ये लीजिए बेटा, ये इंडिपेंडेंट फ्लोट हो गया। बेटा आप मुझे बताइए, क्या आपको फ्लोट निकालना आ गया? सिंपल है, पहले आप ईएसटी निकालो और एलएफटी निकाल लो। ईएसटी में ड्यूरेशन जोड़ के ईएफटी आ जाएगा, एलएफटी में से ड्यूरेशन माइनस करने पर एलएसटी आ जाएगा। ईएसटी और एलएसटी का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा टोटल फ्लोट, ठीक। टोटल फ्लोट में से हेड इवेंट का स्लैक माइनस करोगे तो आएगा फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट में से स्लैक ऑफ टेल इवेंट माइनस करोगे तो आ जाएगा इंडिपेंडेंट फ्लोट। बात खत्म, क्लियर है बात? पक्का? ठीक, यहां पर बात खत्म होती है फ्लोट के बारे में। किसके बारे में? फ्लोट के बारे में। और बच्चों, अब मैं तुम्हारे साथ में अगली बात शुरू करने वाला हूं। और क्या अगली बात शुरू कर लें? और अगली बात है क्या? क्या बात है अगली? यस, प्रोजेक्ट क्रैशिंग। हां जी बेटा, तो मैं अगली बात जो तुम्हारे साथ में डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज प्रोजेक्ट क्रैशिंग। बेटा आपने ये फॉर्मूलाज लिख लिए थे ना सारे? जी सर। ये लिख लिए थे? जी सर। ठीक है, और अब मैं तुम्हारे साथ में डिस्कस करने वाला हूं प्रोजेक्ट क्रैशिंग। देखो बच्चों, सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनो, जब हम एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो हमारे दो तरह के खर्चे लगते हैं। बेटा ध्यान से देखें, जब अपन किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं तो हमारे दो तरह के खर्चे लगते हैं, डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब ऐसा समझो कि अगर मैं एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा हूं, जैसे मान लो मुझे एक बिल्डिंग बनाने का काम मिला, तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, डायरेक्ट लेबर लगेगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेंगे। आप मुझे जल्दी से बताइए, इज इट राइट और रॉन्ग? सही बात है। साथ में बेटा जो मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, क्या वो भी लगेंगे? क्या इसमें मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल लगेगा? क्या मेरी इनडायरेक्ट लेबर लगेगी? क्या मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगेगा? हां कि ना? देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी बातें, डायरेक्ट खर्चे हमेशा वर्क पे डिपेंड करते हैं, काम पर, आप क्या काम कर रहे हो। और बेटा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हमेशा निर्भर करते हैं टाइम पर, कि आपने इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगाया। इज इट राइट और रॉन्ग? जैसे आप मुझे बताओ, अगर मुझे दीवार बनानी है तो दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी वो इस दीवार की ऊंचाई पे निर्भर करती है, हां कि ना? तो डायरेक्ट मटेरियल तो काम पे निर्भर कर रहा है, सही बात है। वर्कर की तनख्वाह डिपेंड करेगी कि मैं कितनी बड़ी दीवार बनवा रहा हूं, उतने घंटे की, उतने घंटों की तनख्वाह लगे, उतने काम की तनख्वाह लगेगी, हां कि ना? लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? किराया, रेंट, डेप्रिसिएशन,
सुपरवाइजर की सैलरी, ये सब, तो आप मुझे बताइए क्या ये सारे के सारे खर्चे हमारे टाइम पर बेस्ड हैं? पक्की बात है? अब जरा सुनो प्रोजेक्ट क्रैशिंग क्या कहता है। प्रोजेक्ट क्रैशिंग कहता है कि अगर हम अपनी डायरेक्ट कॉस्ट को थोड़ा बढ़ा दें, जैसे मटेरियल में मैं सीमेंट जो है वो नॉर्मल सीमेंट की जगह ऐसी सीमेंट काम में लूं जो जल्दी सूखती है, तो आप मुझे बताइए वो सीमेंट तो महंगी आएगी लेकिन साथ में मेरी ड्यूरेशन भी कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए मैं वर्कर, मेरे चार लगे हुए हैं, अगर मैं दीवार को बनाने के लिए 6 वर्कर लगा दूं तो मेरी लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी लेकिन मेरा टाइम कम हो जाएगा। बोलो जी हां या ना, सही बात है। तो बच्चों प्रोजेक्ट क्रैशिंग कहती है कि क्या हम कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाकर अपनी ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या हम थोड़ा महंगा मटेरियल लगाकर, थोड़े ज्यादा वर्कर लगाकर, थोड़ी बड़ी मशीनें लगाकर क्या हम अपने काम को जल्दी फिनिश कर सकते हैं? जल्दी फिनिश करने में नुकसान क्या है कि डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन फायदा क्या है कि ड्यूरेशन अगर कम हो गया तो इनडायरेक्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। आप मुझे जल्दी से बताओ कि एम आई राइट और रॉन्ग? मैं ठीक बोल रहा हूं कि मैं गलत बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं, मैं ठीक बोल रहा हूं कि टाइम कम होने से मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। प्रोजेक्ट क्रैशिंग कहता है कि अगर ऐसा करने पर आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो, आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो, तो आप ऐसा ही करो। एंड दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट क्रैशिंग। व्हाट इज प्रोजेक्ट क्रैशिंग? प्रोजेक्ट क्रैशिंग का मतलब होता है अपनी डायरेक्ट कॉस्ट को बढ़ाकर हम अपनी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को कम करते हैं ताकि हमारी ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम हो जाए। एंड दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट क्रैशिंग। एक बात ध्यान रखना, प्रोजेक्ट क्रैशिंग का कभी भी पर्पस प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करना नहीं होता है। प्रोजेक्ट क्रैशिंग का पर्पस हमेशा कॉस्ट को कम करना होता है। अब मेरी बात को सुनना, मैंने कहा यदि इस प्रोजेक्ट को 40 दिन में पूरा करते हैं तो 10,000 की कॉस्ट लगेगी, इस प्रोजेक्ट को 38 दिन में पूरा करते हैं तो 9,000 की कॉस्ट लगेगी, और प्रोजेक्ट को अगर 35 दिन में कंप्लीट करते हैं तो 11,000 की कॉस्ट लगेगी। अब मैंने आपसे सवाल पूछा, बताओ प्रोजेक्ट की ऑप्टिमम ड्यूरेशन क्या है? तो आप बोलेंगे प्रोजेक्ट की ऑप्टिमम ड्यूरेशन है 38 डेज। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट 38 डेज में पूरा होता है तो कॉस्ट कम से कम आती है, और जब कॉस्ट सबसे कम होगी तभी तुम्हारा प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। निहारी बात समझ में? तो ध्यान रखना, प्रोजेक्ट क्रैशिंग का पर्पस कभी भी ड्यूरेशन कम करना नहीं है। प्रोजेक्ट क्रैशिंग का पर्पस है ड्यूरेशन को कम करके कॉस्ट को कम करना। मेरी बात आ रही है समझ में? अगर आपसे पूछे ऑप्टिमम ड्यूरेशन क्या है तो कभी भी जवाब 35 दिन मत देना कि सर कम से कम 35 दिन लगेंगे। नहीं भाई, ऑप्टिमम पूछ रहा है। ऑप्टिमम का मतलब बेस्ट ड्यूरेशन क्या है? सर बेस्ट ड्यूरेशन बिजनेस के लिए वो है जहां पे बिजनेस को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो, सबसे कम कॉस्ट आए, दैट इज 38 डेज। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात दिमाग में रखना, प्रोजेक्ट क्रैशिंग का पर्पस ड्यूरेशन कम करना नहीं है। प्रोजेक्ट क्रैशिंग का पर्पस है ड्यूरेशन को कम करके कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ठीक है, लिखिए। कॉपी करना है कि कुछ तुमको? ठीक है, आइए लिखना शुरू करें। When we conduct a project, when we conduct a project, we incur both direct and indirect expenses. We incur both direct and indirect expenses. Direct expenses are mainly related to are mainly related to
टाइप ऑफ वर्क एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस मेनली रिलेट इनडायरेक्ट एक्सपेंस मेनली रिलेट टू ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट मेनली रिलेट टू ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट वी कैन रिड्यूस द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन वी कैन रिड्यूस the project duration by incurring additional direct cost. बेटा अपन लोग project की duration को कम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने को direct cost लगानी पड़ेगी. और बट ड्यू टू रिडक्शन इन ड्यूरेशन इनडायरेक्ट कॉस्ट will get reduced and ultimately the overall project cost will overall project cost will also be decreased विल ऑल्सो भी डिक्रीज ओवरऑल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है बेटा वो भी कम हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट क्रैशिंग और बेटा इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट क्रैशिंग. बेटा नीचे एक स्टार लगा के लिख लो. The main purpose of project crashing, is to reduce cost, not to reduce the duration, to reduce the overall cost, not to reduce the duration. बेटा हमारा जो मेन पर्पस है वो ड्यूरेशन कम करना हमारा मेन पर्पस नहीं है. हमारा मेन पर्पस क्या है, कॉस्ट को कम करना. बेटा जल्दी मुझे बताओ, इज इट क्लियर? तो ऑब्वियस बातें करेंगे. अगर मेरा नुकसान नहीं है और काम भी जल्दी खत्म हो रहा है तो कर लो, पर फिर भी पेन नहीं लेते. अगर मुझे कोई फायदा ही नहीं है तो मैं जल्दीबाजी क्यों करूं. ठीक है, क्लियर है मेरी बात? चलो इसके बाद में आप यहां पे लिखो दूसरी बात, ऑप्टिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज नॉट. अब सवाल आपसे पूछेगा ऑप्टिमम ड्यूरेशन क्या है, तो नीचे स्टार लगा के लिखो इस बात के लिए. ऑप्टिमम ड्यूरेशन इज नॉट द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. ऑप्टिमम ड्यूरेशन इज नॉट the minimum duration of the project is not the minimum duration of the project rather it is such a duration rather it is such a duration which has lowest cost it is such a duration which has lowest cost जिस ड्यूरेशन पे हमारी कॉस्ट लोएस्ट होती है वो.
क्लियर है बात? चलें आगे। चलिए अब क्वेश्चन आता है, सर आखिर प्रोजेक्ट क्रैशिंग करते कैसे हैं? तो आइए बेटा, प्रोजेक्ट क्रैशिंग कैसे करते हैं ये बात मैं आपको एक एग्जाम्पल से सिखाता हूं। तो बच्चों, आप सभी लोग मेरे साथ में एक चलिए आप मेरे साथ में निकालिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, और बेटा इस क्वेश्चन नंबर 32 के साथ ही मैं आप लोगों को पूरी क्रैशिंग के बारे में समझाता हूं। चलिए, सबसे पहली बात ये कह रहा है, अ प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 7 एक्टिविटीज विद दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बेटा एक प्रोजेक्ट है, उसमें टोटल 7 एक्टिविटीज हैं और उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। एक्टिविटी 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 2 से 3, 2 से 5, 3 से 5, 4 से 5। और आप लोगों को बेटा यहां पे नॉर्मल टाइम भी दे रखा है, क्रैश टाइम भी दे रखा है, नॉर्मल कॉस्ट भी दे रखा है और क्रैश कॉस्ट भी यहां पर आपको गिवन है। ठीक है, नॉर्मल कॉस्ट का मतलब हुआ कि अगर ये काम आप नॉर्मल ड्यूरेशन में करते हो तो, और अगर आप इसे जल्दी करना चाहते हो तो क्रैश कॉस्ट आपकी कितनी लगेगी। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको दे रखा है 200 पर डे, 200 रुपए पर डे। पहला सवाल है, ड्रॉ द नेटवर्क एंड फाइंड द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड एसोसिएटेड कॉस्ट। सवाल कहता है नेटवर्क डायग्राम बनाओ, नॉर्मल ड्यूरेशन बताओ प्रोजेक्ट की। अब इसका मतलब ये क्रिटिकल पाथ और उसकी ड्यूरेशन पूछ रहे हैं, और लास्ट उस ड्यूरेशन के मुताबिक हमारी एसोसिएटेड कॉस्ट क्या है वो बताओ। पक्की बात? अब देखो ये नेटवर्क डायग्राम बनाना कितना आसान है। अब यहां पे देखो, सबसे पहला 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, ये लीजिए 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4। ड्यूरेशन क्या है? 4, 2 और 5। ठीक है, फिर 2 से 3, 2 से 5, ये लीजिए बेटा 2 से 3, 2 से 5, 2 से 3, 2 से 5। ओके, ड्यूरेशन है 2 से 3 की 7 दिन और 2 से 5 की भी 7 दिन। ओके, फिर 3 से 5, 4 से 5, ये लीजिए बेटा 3 से 5, 4 से 5। तो बेटा 3 से 5 की ड्यूरेशन है 2 दिन और 4 से 5 की ड्यूरेशन है 5 दिन। ओके, फिर खत्म, 3 से 5 भी है, ये लीजिए 3 से 5 और 3 से 5 की ड्यूरेशन है 2 दिन, ये लीजिए। आप मुझे जल्दी से बताइए बेटा ये नेटवर्क डायग्राम आपको समझ में आ गया? आ गया क्या पूरा समझ में? पक्का? हाँ जी, ये लीजिए। डबल थ्री कैसे? 3 से 5। अच्छा, मैंने गलत किया बेटा, मैंने पता है क्या गलती की, मैंने गलती ये कर दी कि मैंने 3 वाला जो है ये दोबारा बना दिया। ठीक है, ये 2 से 5, 2 से 3 था ना, ये तो ऐसे आएगा 2 से 3, और 2 से 3 हो गया 7 दिन। ठीक है, और फिर 3 से 5 2 दिन, ऐसा नेटवर्क डायग्राम। अब ठीक है, अब आपका जो काम है वो बताता हूं। आप यहां पे फटाफट से पॉसिबल पाथ निकालो और पॉसिबल पाथ की ड्यूरेशन निकालो और मुझे बताओ क्रिटिकल पाथ कौन सा है। ये पहले सवाल का पहला पार्ट है नेटवर्क डायग्राम। अब आप जल्दी से पॉसिबल पाथ निकालो, क्रिटिकल पाथ निकालो फटाफट।
पॉसिबल पाथ, क्रिटिकल पाथ। हाँ जी, 13 दिन। तो आपने यहां पे, अच्छा क्रिटिकल पाथ कौन सा है? 1 2 3 5। 1 2 3 5, ये लीजिए 1 2 3 और 5। बताइए बेटा, ये एकदम ठीक बना दिया मैंने? हाँ जी, हाईलाइट हो गया एकदम। अच्छा, और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितनी है? हाँ जी, 13 दिन। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई क्रिटिकल पाथ तो हो गया 1 2 3 5, और बेटा जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है वो हो गई 13 दिन। हाँ जी, तो लीजिए बेटा, मैंने यहां पे क्रिटिकल पाथ भी निकाल दिया है और मैंने प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन भी निकाल दी। जल्दी से मुझे बताएं, क्या यहां पर आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसका तीसरा जो पार्ट है, पहले सवाल का तीसरा पार्ट वो पूछ रहा है कि आपको प्रोजेक्ट की कॉस्ट बतानी है। अब जरा ध्यान से देखो, प्रोजेक्ट की कॉस्ट। अब पहले प्रोजेक्ट की डायरेक्ट कॉस्ट देखो, 600 400 750 800 500 600। कई बच्चे बोलते हैं, सर आप ये बताओ, आप ये कैसे कह सकते हो कि ये डायरेक्ट कॉस्ट है? बेटा, जो कॉस्ट किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए की जा रही है स्पेसिफिकली, वो तो डायरेक्ट कॉस्ट ही होगी। तो इस पूरी डायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ दो नॉर्मल कॉस्ट को, ये जो पूरी तुम्हारी नॉर्मल कॉस्ट है इसको जोड़ दो। चार हजार पचास, पक्का? अब इनडायरेक्ट कॉस्ट को देखो, इनडायरेक्ट कॉस्ट तुम्हारी लगती है 200 रुपए रोज, और आपकी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है 13 दिन, तो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी लगेगी? 2600। तो बेटा पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो आपकी हो जाएगी 6650। बेटा आपकी पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी होगी? 6650। जल्दी से मुझे बताइए, इज इट राइट और रॉन्ग? राइट, ओके। अब आइए बेटा सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन कहता है, बताओ कॉस्ट क्या होगी अगर ये प्रोजेक्ट 13 दिन की जगह 12 दिन में पूरा हो, 11 में हो, 10 में हो, ठीक है? और लास्ट क्वेश्चन अपने से पूछा, फाइंड आउट द ऑप्टिमम ड्यूरेशन ऑफ द एसोसिएटेड कॉस्ट। सवाल कह रहा है आपको ऑप्टिमम ड्यूरेशन बतानी है और ऑप्टिमम ड्यूरेशन की प्रोजेक्ट कॉस्ट बतानी है। बेटा ऑप्टिमम ड्यूरेशन का मतलब मिनिमम ड्यूरेशन नहीं होता, ऑप्टिमम ड्यूरेशन का मतलब होता है वो ड्यूरेशन जिसमें हमारी कॉस्ट मिनिमम आए। क्लियर है बात बेटा? क्लियर है बात? चलूं आगे तो ध्यान दो, अब यहां से शुरू होती है प्रोजेक्ट क्रैशिंग। लेकिन प्रोजेक्ट क्रैशिंग के लिए पहले आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। सर वर्किंग नोट क्यों? वर्किंग नोट इसलिए बनाना पड़ता है बेटा क्योंकि आपको दो बातों का पता करना है। एक, इस एक्टिविटी को कितने दिन क्रैश किया जा सकता है। नंबर दो, क्रैश करने में हर दिन खर्चा कितना लगेगा। तो जरा ध्यान से देखो, इसे बोलते हैं कैलकुलेट पॉसिबल क्रैशिंग एंड कॉस्ट स्लोप। बेटा यहां पे आपको यह निकालना है कि कितनी क्रैशिंग पॉसिबल है और हमारा कॉस्ट स्लोप क्या है। कॉस्ट स्लोप मतलब क्रैशिंग के हर दिन के लिए कितने पैसे एक्स्ट्रा खर्च होते हैं। अब जरा सुनो,
सबसे पहला मैं लिखूंगा एक्टिविटी, एक्टिविटी के बाद में पॉसिबल क्रैशिंग, फिर आएगा कॉस्ट, क्रैशिंग कॉस्ट, एंड लास्ट आ जाएगा कॉस्ट स्लोप। बेटा कॉस्ट स्लोप का मतलब होता है क्रैशिंग कॉस्ट पर डे। अब जरा ध्यान से देखो, एक्टिविटी एक से दो है। हां जी, एक से दो एक्टिविटी है। एक से दो वाली एक्टिविटी की नॉर्मल ड्यूरेशन है 4 दिन, क्रैश टाइम है 3 दिन। इसका मतलब बेटा ये ज्यादा से ज्यादा 1 दिन क्रैश हो सकती है। नॉर्मल कॉस्ट है 600, क्रैश कॉस्ट है 800। इसका मतलब यदि आप इसे क्रैश करने का प्रयास करते हैं तो आपको 200 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। बेटा एक दिन की क्रैशिंग होगी, 200 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। तो आप मुझे जल्दी से बताइए, आपका कॉस्ट स्लोप पर डे कितना हुआ? 200 रुपए। बेटा एक से तीन वाली एक्टिविटी को देखो, नॉर्मल डेज नॉर्मल टाइम 2, क्रैश टाइम 2। इसका मतलब यार ये तो क्रैश हो ही नहीं सकती, तो ऑब्वियस सी बात है इसे क्रैश करने पर कोई पैसा भी नहीं लग रहा होगा। ओके, एक से चार, एक से चार बेटा 5 दिन नॉर्मल है, 4 दिन में पूरी हो सकती है, 1 दिन कम किया जा सकता है, लेकिन 1 दिन कम करने के लिए आपको 150 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। तो आपका कॉस्ट स्लोप हो गया कितना? 150। बेटा 2 से 3 वाली जो एक्टिविटी है बेटा, ये 7 दिन की ड्यूरेशन है, 5 दिन में पूरा किया जा सकता है। इसका मतलब ड्यूरेशन 2 दिन कम की जा सकती है, लेकिन 2 दिन की ड्यूरेशन कम करने के लिए 200 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। इसका मतलब 100 रुपए रोज आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। 2 से 5, 7 दिन की बजाय 6 दिन में काम हो सकता है। इसका मतलब एक्टिविटी 1 दिन पहले पूरी हो सकती है, लेकिन बेटा 1 दिन पहले पूरा करने में आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। तो क्रैशिंग कॉस्ट पर डे आपको क्या पड़ी? 200। 3 से 5 की बात करें, 3 से 5 में बेटा 2 दिन की ड्यूरेशन है, 1 दिन कम से कम लगेगा, तो ड्यूरेशन 1 दिन कम हो सकती है, 150 रुपए आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। 150। बेटा 4 से 5 एक्टिविटी है, 5 दिन की बजाय 4 दिन में पूरा हो सकती है। इसका मतलब ड्यूरेशन 1 दिन कम की जा सकती है, और 1 दिन कम करने के लिए आपके 250 रुपए लगेंगे। बेटा 600 की जगह 850 लगेंगे, तो आपकी क्रैशिंग कॉस्ट पर डे क्या पड़ी? 250 रुपए। बेटा आप मुझे जल्दी से बताइए, क्या आपको यह समझ में आ रहा है? मैंने 2 बातें निकाली, क्रैशिंग कितनी कर सकता हूं और क्रैशिंग करने में पैसे कितने खर्च होंगे। पक्की बात? अब आइए, यहां से शुरू होती है क्रैशिंग। सबसे पहला आप कॉलम बनाओ पॉसिबल पाथ्स, और उन पॉसिबल पाथ्स की ड्यूरेशन, पॉसिबल पाथ और पाथ की ड्यूरेशन। अब मुझे सारे पॉसिबल पाथ जो तुमने अभी ऊपर निकाले थे वो बताओ, लेकिन घटते क्रम में बेटा, ड्यूरेशन के घटते क्रम में बताना, ठीक है? बताओ सबसे पहले ज्यादा ड्यूरेशन वाला, फिर घटते हुए क्रम में। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 ड्यूरेशन 13 दिन। दूसरा बताऊं, 1 से 2, 2 से 5 11 दिन, 1 से 4 4 से 5 10 दिन, 1 से 3 3 से 5 4 दिन, ठीक। अच्छा ये बताओ, 4 पाथ हैं। अब आप मुझे बताओ, प्रोजेक्ट की ये वाला पाथ 13 दिन में पूरा होगा, ये 11, ये 10, ये 4, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या होगी? 30 दिन। प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या है? प्रोजेक्ट कितने दिन में पूरा होगा? 13 दिन में।
राइट। और आप मुझे बताओ प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है? प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 6650। आई गेस यहां तक एकदम ठीक है, पक्की बात। अब देखो इसमें प्रोजेक्ट क्रैशिंग के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को जरा ध्यान से सुनो। ये जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं इन पर दो चीजें लिख लो, क्रैशिंग कॉस्ट और पॉसिबल क्रैशिंग। अब ये बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, एक से दो कितने दिन क्रैश हो सकती है? एक से दो ज्यादा से ज्यादा एक दिन क्रैश हो सकती है। और क्रैश करने में पैसे कितने लगेंगे? 200 रुपए। दो से तीन? दो दिन क्रैश हो सकती है और पैसे कितने लगेंगे? 100 रुपए। तीन से पांच? 150 रुपए। अच्छा चलो अब ये बताओ, एक से दो एक दिन 200 रुपए, दो से पांच एक दिन 200 रुपए, ओके। एक से चार एक दिन 150 रुपए, एक दिन क्रैश हो सकती है और 150 रुपए लगेंगे। चार से पांच एक दिन 250 रुपए। एक से तीन? जीरो, छोड़ो लिखो ही मत। तीन से पांच एक दिन 150 रुपए, पक्की बात। अब आप आराम से इसे देखो और आपको आराम से देख के मुझे बताना है। पहला सवाल कह रहा है अगर मुझे ये प्रोजेक्ट 12 दिनों में पूरा करना है तो मेरी कॉस्ट क्या आएगी? अब थोड़ा ध्यान से सुनना इधर। देखो दोस्त, ये जो प्रोजेक्ट, ये जो पाथ है, ये 13 दिन में पूरा हो रहा है। इस पाथ को दो दिन से ज्यादा छोटा करने का कोई फायदा नहीं होगा। आप सोचो अगर मैं इस पहले वाले पाथ को 10 दिन में पूरा कर दूं लेकिन दूसरा वाला पाथ तो 11 दिन में पूरा हो रहा है, तो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन सिर्फ 2 ही दिन कम होगी। अब खर्चा 3 दिन का लगाऊंगा तो भी फायदा 2 ही दिन का मिलेगा, तो आप मुझे बताओ 3 दिन कम करने में फायदा है क्या, या 2 ही दिन कम करूं? 2 ही दिन। अब हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी आप यह मत सोचना कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्रैशिंग करनी है, नहीं, आपको सस्ती से सस्ती क्रैशिंग करनी है। नहीं समझे मेरी बात? अब यहां बताऊ, यहां पे इस पाथ में सबसे कम पैसे कहां लग रहे हैं? दो से तीन। कितने हैं? 100 रुपए। तो आप मुझे बताइए क्या मुझे पहले इसी एक्टिविटी को क्रैश करना चाहिए? अरे जिस एक्टिविटी को जल्दी पूरा करने में एक्स्ट्रा पैसा कम खर्चो उसी को कम करो ना, महंगी वाली को क्यों करूं? अब वैसे तो यहां पे ये 2 दिन क्रैश हो सकती है और यहां पे देखा जाए तो 2 दिन क्रैश करने में फायदा भी है। नहीं आ रहा समझ में? अरे भाई ये वाला काम 13 दिन में पूरा हो रहा है, दूसरा वाला काम 11 दिन में पूरा हो रहा है, तो अगर मैं इस पहले वाले पाथ की ड्यूरेशन को 2 दिन कम कर लूं तो पहला वाला पाथ भी 11 दिन में पूरा हो जाएगा, दूसरा वाला भी 11 दिन में पूरा हो रहा है, तो प्रोजेक्ट 11 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, हां कि ना? तो मैं ऐसा कर सकता हूं ना? बोलो ना, कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। लेकिन सवाल में मुझसे पूछा गया कि बताओ 12 दिन में कंप्लीट करने की कॉस्ट क्या है? अगर ये 12 दिन वाली बात ना बोलता ना, सिर्फ क्रैशिंग के लिए बोलता तो मैं 2 दिन क्रैश करता, लेकिन इसने मुझसे पूछा नहीं आप तो 1 ही दिन कम करके बताओ। तो ठीक है भाई, अगर मुझे 1 दिन की ड्यूरेशन कम करनी है तो किस एक्टिविटी की करूं? दो से तीन, क्योंकि सबसे सस्ती यही है। लिखो। और अगर यहां पे ये वाली बात ना लिखी होती तो मैं कितना क्रैश करता हूं? 2 दिन। नीचे लिखना शुरू कर दो, क्रैशिंग 1। क्रैश 2 to 3 बाय 1 डे। बेटा 2 से 3 को 1 दिन क्रैश कर दूं। बेटा 2 से 3 को अगर 1 दिन क्रैश करेंगे तो क्या होगा जरा सुनो। कॉस्ट एट प्रेजेंट, बेटा अभी हमारी कॉस्ट क्या है?
6650 हमारी एडिशनल क्रैशिंग कॉस्ट लगेगी कितना, 100 रुपये रोज, एक दिन क्रैश किया 100 रुपये। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि अगर प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन एक दिन कम होगी तो इनडायरेक्ट कॉस्ट एक दिन की बचेगी, एक दिन की इनडायरेक्ट कॉस्ट है 200 रुपये, तो 200 रुपये बच गए। तो आप मुझे जल्दी से बताइए हमारी रिवाइज्ड कॉस्ट कितनी है, 6550। बेटा हमारी रिवाइज्ड कॉस्ट कितनी है, 6550। नहीं आया समझ में? अब आप इधर देखो, इधर फटाफट से, इधर मैं लिख रहा हूं क्रैशिंग वन। पहली क्रैशिंग के बाद में क्या क्या चेंज हुआ एक मिनट सुन लेना, इधर सुनो। 2 से 3 वाली, 2 से 3 वाली एक्टिविटी को अगर आपने एक दिन क्रैश कर दिया तो अब इसमें पॉसिबल क्रैशिंग सिर्फ एक दिन की बची है। नंबर 2, अब ये पाथ 12 दिन में पूरा हो गया, ये पाथ 11 दिन में पूरा हुआ, ये 10 दिन में पूरा हुआ और ये 4 दिन में पूरा हुआ। तो आप मुझे जल्दी से बताइए क्या मेरा पूरा प्रोजेक्ट 12 दिन में पूरा हुआ और क्या मेरी प्रोजेक्ट कॉस्ट 6550 हो गई है? अरे नहीं आया समझ में? अगला सवाल कहता है अगर ये प्रोजेक्ट 11 दिन में कंप्लीट करते हैं तो क्या होगा। अब आप मुझे इसका मतलब बताओ, अभी मेरा प्रोजेक्ट 12 दिन में पूरा हो रहा है, मुझे 11 दिन में कंप्लीट करना है, मतलब मुझे एक दिन और क्रैश करना है। सस्ती क्रैशिंग कहां पर है? 2 से 3। क्या इसे एक दिन और क्रैश कर लूं? लिखें क्रैशिंग 2, क्रैश 2 to 3 बाय 1 डे। बेटा एक्टिविटी 2 से 3 को एक दिन और क्रैश कर दूं, ऐसा करने पर कॉस्ट एट प्रेजेंट, अभी हमारी कॉस्ट है 6550 प्लस कर दीजिए एडिशनल क्रैश कॉस्ट, एडिशनल क्रैश कॉस्ट हो गई 100 × 1 माइनस सेविंग ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट है 200 रुपये, अगर प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन एक दिन कम होगी तो 200 रुपये सेव हो जाएंगे। आपके पास आ जाएगी रिवाइज्ड कॉस्ट 6450। पक्की बात? इधर आओ, क्रैशिंग 2 का इफेक्ट क्या होगा, जो एक्टिविटी 2 से 3 थी उसको मैंने एक दिन और क्रैश कर लिया, तो बेटा अब इसका क्रैश होना पॉसिबल नहीं है, खत्म। ड्यूरेशन हो गई 11 दिन, ये 11 दिन में पूरा हो ही रहा है, इसकी ड्यूरेशन वही रहेगी 10 दिन और इसकी ड्यूरेशन वही रहेगी 4 दिन। तो बेटा अब हमारा प्रोजेक्ट 11 दिन में पूरा होगा और हमारी कॉस्ट आएगी 6450। बेटा इज इट ओके? चलो आगे चलूं? हाँ जी आगे चलें। चलो अब मुझे बताओ कि अब सवाल कहता है अगर आपको ये प्रोजेक्ट 10 दिन में पूरा करना है तो क्या करें। अब सुनो, अब अगर ये प्रोजेक्ट 10 दिन में पूरा करना है तो अब मुझे यहां पे पहला पाथ और दूसरा पाथ दोनों की ड्यूरेशन को कम करना होगा। अगर मान लो मैं पहले पाथ की ड्यूरेशन को एक दिन कम कर लूं तो भी दूसरा पाथ तो 11 दिन में ही पूरा होगा, तो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन तो 11 दिन ही रहेगी, कम होगी नहीं। तो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को अगर 10 दिन पे लाना है तो मुझे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को एक दिन कम करना पड़ेगा। अब जरा सुनो, एक दिन कम करने के मेरे पास 2 ऑप्शन है। सुनो,
मैं एक से दो को एक दिन कम कर लूं, तो ध्यान से देखो एक से दो इसमें भी है और एक से दो इसमें भी है, तो सिर्फ 200 रुपए लगेंगे और दोनों पात एक एक दिन कम हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है, मैं इसमें 3 से 5 को क्रैश कर लूं, 150 रुपए लगे, इसमें 2 से 5 को क्रैश कर लूं, 200 रुपए लगे, तो यार 150 और 200 350 रुपए हो जाएंगे। तो आप मुझे बताओ 350 रुपए लगा के एक दिन क्रैश करूं या 200 रुपए लगा के एक दिन क्रैश करूं? 200 रुपए लगा के। बोलो बेटा, पक्की बात? तो लिखिए बेटा, क्रैशिंग 3, लिखें क्रैश 1 to 2 बाय 1 डे। एक से दो को एक दिन क्रैश कर दूं। अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा? कॉस्ट एट प्रेजेंट, अभी आपकी कॉस्ट है 6450 प्लस 2 एक दिन की क्रैशिंग 200 रुपए लगे, माइनस सेविंग ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट में सेविंग हो गई 200 रुपए, तो अल्टीमेटली हमारी जो रिवाइज्ड कॉस्ट है वो क्या पड़ी? 6450। हमारी रिवाइज्ड कॉस्ट क्या पड़ी? 6450। तो ये लीजिए बेटा। अब यहां पे बेटा एक से दो में एक दिन की क्रैशिंग पॉसिबल थी, वो हो गई, तो बेटा अब मैंने इसमें मिटा दिया, भाई ये और क्रैश नहीं हो सकती। क्रैशिंग नंबर 3, ये काम अब 10 दिन में पूरा होगा, 10 दिन में पूरा होगा, ये 10 दिन में पूरा होगा और ये 4 दिन में पूरा होगा, ठीक है। अब ये काम 10 दिन में पूरा हो जाएगा और खर्चा वही आएगा 6450, खर्चा कम नहीं होगा। हाँ जी, खर्चा कम नहीं होगा, जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है? अब वैसे तो सवाल मुझसे यहीं तक पूछा गया है, लेकिन मैं तुम्हें पूरी क्रैशिंग करके बता रहा हूं। अब मुझे बताओ, अब यहां पे पहला पाथ भी 10 दिन में पूरा हो रहा है, दूसरा भी 10 दिन में, तीसरा भी 10 दिन में, हां चौथा 4 दिन में पूरा हो रहा है। अब अगर मुझे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को कम करना है तो मुझे तीनों पाथ की ड्यूरेशन को कम करना होगा, तभी जाके प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होगा। अब ये बताओ, यहां पर मेरे पास एक ही ऑप्शन है 3 से 5, यहां पर एक ही ऑप्शन है 2 से 5, और यहां पे देखो 2 ऑप्शन है 1 से 4, 4 से 5, सस्ता कौन सा है? 1 से 4। तो मैं 3 से 5 को एक दिन क्रैश करूंगा, इसमें 2 से 5 को क्रैश करूंगा और इसमें 1 से 4 को क्रैश करूंगा, ठीक है। इन तीनों की ड्यूरेशन एक एक दिन कम हो जाएगी और मेरा प्रोजेक्ट अब 9 दिन में पूरा हो पाएगा। तो आप मुझे जल्दी से बताएं, क्रैशिंग 4, फोर्थ क्रैशिंग, अब आप मुझे बताइए क्रैश कौन कौन सी क्रैश करनी है? बोलो, क्रैश करेंगे एक तो 3 से 5, तो पहला वाला पाथ एक दिन जल्दी कंप्लीट होगा, नंबर 2, 2 से 5, और तीसरा 1 से 4 बाय 1 डे ईच। कॉस्ट एट प्रेजेंट, अभी हमारी कॉस्ट है 6450 प्लस कर दीजिए एडिशनल क्रैशिंग कॉस्ट। एडिशनल क्रैशिंग कॉस्ट बताइए बेटा, एक दिन की तीनों मिला के 500 रुपए, तो तीनों की मिलाकर 500 रुपए लगे, माइनस सेविंग ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट,
बेटा जो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसमें सेविंग हो जाएगी 200 रुपये। तो आप मुझे बताइए हमारी रिवाइज्ड कॉस्ट क्या है? 6750 कर दूं बेटा? बेटा प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन 3 दिन कम नहीं होगी, 1 दिन कम होगी, ठीक है? तो अब आप मुझे जल्दी से यह बताओ, यहां पर 1 दिन की क्रैशिंग पॉसिबल थी, मैंने कर ली, 1 दिन की क्रैशिंग पॉसिबल थी मैंने कर ली, और यहां पर 1 दिन की क्रैशिंग पॉसिबल थी ये भी मैंने कर ली। तो लीजिए बेटा, क्रैशिंग नंबर 4 के बाद क्या है? ये काम 9 दिन में पूरा होगा, ये काम 9 दिन में पूरा होगा, ये भी काम 9 दिन में पूरा होगा। अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें भी 3 से 5 है, और बेटा आपने 3 से 5 को क्रैश किया तो यहां पर भी तो क्रैश होगा ना। अरे एक्टिविटी तो वही है। हाँ, तो ये वाला जो पाथ है अब ये 3 दिन में पूरा होगा, ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा 9 दिन में, और आपकी जो कॉस्ट लगेगी वो लगेगी 6750। मेरा आपसे आग्रह है, आप मुझे जल्दी से बताइए क्या आगे अब क्रैशिंग हो सकती है क्या? बेटा पहला पाथ और दूसरा पाथ अब और क्रैश नहीं हो सकता, तो भाई साहब आप प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन इसके बाद में कम नहीं हो सकती। अच्छा अब आप मुझे बताओ ऑप्टिमम ड्यूरेशन क्या है? सबसे कम कॉस्ट का है यहां। अब आप मुझे बताओ 6450 रुपए ही लगने हैं, आप 11 दिन में पूरा करना पसंद करोगे कि 10 दिन में? 10। तो ऑप्टिमम ड्यूरेशन क्या है? 10। मिनिमम ड्यूरेशन क्या है? 9। ऑप्टिमम क्या है? 10। समझ में आ रहा है फर्क? लिखो लास्ट क्वेश्चन का जवाब। ऑप्टिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज, ऑप्टिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज 10 days, इज 10 days एंड एसोसिएटेड कॉस्ट इज 6450 एंड एसोसिएटेड कॉस्ट इज 6450। जो एसोसिएटेड कॉस्ट है वो कितनी है? 6450। डन, कंप्लीट, बात खत्म, ठीक है। तो चलिए बेटा आज हमने प्रोजेक्ट क्रैशिंग तक कंप्लीट कर लिया है। बच्चों कल मैं आपके साथ में पर्ट डिस्कस करूंगा, और पर्ट डिस्कस करने के बाद में मैं आपके साथ में लीनियर प्रोग्रामिंग को डिस्कस करूंगा, ठीक है? ठीक है, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी बची हुई बातें कल की क्लास में करेंगे, ठीक है? बाय बाय। एंड वर्चुअल वालों आप भी बाय बाय, मिलते हैं कल।